दोस्तों फाइनली रेडमी ने रेडमी 7 को चाइना की मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेडमी 7 की, और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेडमी 7 पर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है, क्या है मोबाइल फोन की प्राइस, और क्या होगी मोबाइल फोन की इंडिया लॉन्च डेट। तो दोस्तों ये जानने के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन से। डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 6.2 इंच HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक वाटर ड्रॉप नोच भी देखने को मिल जाती है, और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए रेडमी 7 पर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों मोबाइल फोन के डिजाइन की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें ग्लास बैक देखने को मिलेगी, और ग्रेडियंट कलर का यूज हमें मोबाइल फोन पर देखने को मिल जाएगा। मोबाइल फोन के रियर साइड पर हमें डुअल रियर कैमरा का सेटअप और एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मोबाइल फोन के रियर साइड पर देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मोबाइल फोन पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 का चिपसेट मिलेगा। ये मोबाइल फोन हमें 3 वेरिएंट्स में मिलता है, 2GB रैम 16GB स्टोरेज, 3GB रैम 32GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ मोबाइल फोन का टॉप वेरिएंट्स मिलेगा। अच्छी बात यह है कि दोस्तों इस पर हमें ट्रिपल स्लॉट मिलते हैं, मतलब कि माइक्रो एसडी कार्ड का एक डेडिकेटेड स्लॉट हमें अलग से देखने को मिल जाएगा। अगर कैमराज की बात की जाए तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें डुअल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, जो कि 12+2 मेगापिक्सल के, और जिसका एपर्चर होगा f2.2, और रियर में एक एलईडी फ्लैश भी हमें देखने को मिल जाएगी। सेल्फी कैमरे की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि दोस्तों रेडमी 7 पर हमें एक डिसेंट से कैमरे देखने को मिल जाएंगे। बैटरी और कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन दोस्तों यह मोबाइल फोन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं करेगा, ना इस पर हमें USB-C टाइप पोर्ट मिलेगा। दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई मिलेगा, और MIUI 10 भी देखने को मिल जाती है, और सभी तरह के बेसिक सेंसर हमें मोबाइल फोन पर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मोबाइल फोन पर एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मोबाइल फोन के रियर साइड में मिलेगा। दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक मिलेगा, डुअल 4G वोल्टेज होगा, ब्लूटूथ वाईफाई देखने को भी मिल जाती है। तो बात करते हैं मोबाइल फोन के प्राइस और रिलीज डेट की। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये मोबाइल फोन अभी तक चाइना की मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों मोबाइल फोन के बेस वेरिएंट चाइना के अंदर हमें 699 yuan मिलते हैं। अगर दोस्तों चाइनीज करेंसी को हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो दोस्तों मोबाइल फोन के बेस वेरिएंट के प्राइस लगभग हमें 7000 रुपये तक देखने को मिल जाते हैं, और टॉप वेरिएंट्स के प्राइस हमें 10000 रुपये तक देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों इंडिया लॉन्च डेट की बात की जाए तो दोस्तों जैसे कि 18 मार्च को ये मोबाइल फोन चाइना की मार्केट में लॉन्च किया गया है, तो ऐसे में दोस्तों कुछ दिनों बाद ये मोबाइल फोन हमें इंडिया की मार्केट में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों अभी तक कोई कंफर्म डेट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन दोस्तों जल्द ही हमें इंडिया की मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फालतू टैग के नाम से।